नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। राधे कृष्णा प्रिय बंधु, आज वैशाख मास की पूर्णिमा है और वैशाख पूर्णिमा को माँ गंगा का पूजन, माँ गंगा का स्नान, अन्नदान, द्रव्यदान और अनेक प्रकार के यज्ञ, तप, जप आदि करने का बड़ा महत्व होता है। आप यज्ञ करें, जप करें और अन्नदान करें तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि माँ भगवती गंगा सभी के पापों का विनाश करती है और हमारे चित्त, बुद्धि, मन को पवित्र करती है, क्योंकि गंगा स्नान से ही हमारे किए हुए जो पाप कर्म हैं वह नष्ट होते हैं और गंगा स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है। और आज के ही दिन गंगा माँ के घाट पर बैठ कर के विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने का भी बड़ा महत्व होता है, अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। आप इस लॉकडाउन के अंतर्गत गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही आप स्नान की जल में एक बूंद ही गंगा जल की डाल करके हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे आप ऐसा बोल करके अगर स्नान करते हैं तो वह भी उतना ही फल देता है जो गंगा घाट पर जाकर के स्नान करने का फल मिलता है। गंगा माँ हम सभी के पापों का शमन करती है और हर दिन हर हर गंगे नमामि गंगे, हर हर गंगे नमामि गंगे, हर हर गंगे नमामि गंगे इस प्रकार से कहकर के स्नान करते हैं तो नित्य प्रति आपको गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। और आज ही बुद्ध जयंती भी है और छिन्नमस्तका जयंती भी है और टैगोर जयंती है। आज तीन तीन अच्छे अवसर हैं, इसमें आप जो भी कुछ करते हैं उसका अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और जितना हो सकता है सायंकाल स्नान के बाद में या प्रातःकाल, आप संध्या समय या प्रातःकाल में या मध्यान्ह काल में जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आप फ्री होते हैं तो ओम गंगे ओम गंगे ओम गंगे ओम गंगाय नमः ओम गंगाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप करके आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी और आपका मन चित्त निर्मल बनेगा, भगवान के चरणों में ध्यान लगेगा। आज इतना ही, कल पुनः एक नई खोज के साथ मिलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम।